दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास लिनेवो का एक पीस आया है, जिसमें इसका जो चार्जिंग स्ट्रिप है वो भी ख़राब है और यहाँ से माइक से आवाज़ नहीं आता। और दूसरा ये जो बटन है यहाँ पे, देखिए एक बटन ख़राब है, तो मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसके लिए मैंने खोल के रखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए ये स्ट्रिप है, इसे हम लोग खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये भी पूरी तरह डैमेज हो चुका है, यहाँ का जो ये है ये भी डैमेज हो चुका है। और इसके नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जम्पर मारा हुआ है इसको, माइक को, और इसमें से आवाज़ नहीं जा रहा है क्योंकि ये ख़राब हो गया है। तो इसे पूरा ही हम लोग बदली कर देंगे क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो एंटीना था वो भी ख़राब हो चुका है और ये भी ख़राब हो चुका है, और थोड़े दिन बाद शायद ये भी ख़राब हो जाए इसका चार्जिंग कनेक्टर। तो हम लोग पूरा नया डाल देंगे, तो साइड में रख देता हूँ। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बटन स्ट्रिप होती है, बटन स्ट्रिप, उसमें से देखिए जो पावर ऑन ऑफ का है, जो यहाँ पे स्ट्रिप ही नहीं, यहाँ पे देखिए इसमें, यहाँ पे है दबाने वाला लेकिन इसमें है ही नहीं, इसके ऊपर का साइड स्ट्रिप टूट चुका है, बटन का जो वो रहता है छोटा सा स्टिक वो इसमें से निकल चुका है। इसके लिए हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग ये वीडियो में ये दोनों को नया डालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए, ये मैं नया स्टिक लेके आया हूँ खरीद के, देख सकते हैं इसका माइक एकदम अच्छी जगह पे, देखिए माइक एक सही जगह पे लगा हुआ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम नया स्टिक लाया हूँ। हम लोग इसको लगा देते हैं पहले, तो ये हमारा ये लग गया और यहाँ पे हमारा लगेगा एंटीना, दोनों लग चुका है। तो दोस्तों, ये लग गया है, इसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे और नया डालेंगे। हम इसके स्टिक को निकाल लेते हैं दोस्तों आराम से। यहाँ पे हम लोग ट्वीजर से पकड़ लेते हैं, यहाँ पे इसे धीरे धीरे उठाएंगे। देखिए दोस्तों, ये निकल रहा है, तो पॉइंटर बहुत कमज़ोर हो गया, इसके लिए पूरा ही निकल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसे निकाल लेंगे, यहाँ पे गम से जुड़ा होता है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा आराम से। चुका है दोस्तों, मैंने नया स्टिक भी लाया है, देख सकते हैं, देखिए ये नया है, एकदम नया नया लाया हूँ, देख सकते हैं इसमें भी। इसमें भी सारे बटन हैं ऑन ऑफ वाले, अब इसे ही हम जोड़ेंगे। पहले इस जगह को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से,
जितने के ऊपर भी प्लेट चिपकी है तो उसे साफ कर लेना दोस्तों एकदम अच्छे से। देखो अब एकदम ये क्लीन हो चुका है, अब इसके ऊपर कोई वो नहीं बचा है। देखिए इसमें एकदम मस्त फिनिशिंग हो गया एकदम अच्छे से। ठीक है हम ना स्टिप बैठाएंगे इस पे। पहले तो मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा कि स्टिप बराबर है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है स्टिप ठीक है, तो अब हम स्टिप लगा देते हैं। पहले सबसे पहले हमें इधर पे लिक्विड लगा देना है, इस पर भी थोड़ा लिक्विड लगा देना है कि फटाक से पकड़ लें। ठीक है हो गया। हम इसे जोड़ देंगे फटाफट। ठीक है ये स्टिक ऐसा रहेगा, यहाँ पे हमें रखना है इसे एकदम बराबर पांचों लाइन पे पांच, यहाँ से रखना है। ठीक है एकदम ठीक है, एकदम बराबर ही जोड़ना है इसे। ठीक है तो हमें ऐसे ही जोड़ना है इसे। ठीक है पूरी अच्छी तरह से जुड़ चुका है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों एकदम मस्त से फिनिशिंग आई है इस पे। मैंने कोई एक्स्ट्रा सोल्डिंग नहीं लगाया क्योंकि फिनिशिंग अगर आपको चाहिए तो आपको हल्का ही सोल्डिंग से करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग आती है। देख लीजिए दोस्तों ये हो चुका है एकदम रेडी। अब हम इसे चिपका लेंगे, अब हमें इसे इसे चिपका लेना है। ठीक है दोस्तों मैं इसको चिपका के रेडी करके फिर आप लोग के सामने ऑन करके दिखाऊंगा। ठीक है तब तक ये पॉज कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों देखो ये लेनेवो का फिट मैंने पूरा फिट कर दिया अच्छे से, देख सकते हो आप लोग ये लेनेवो का ही पीस है, इसको मैंने फिट कर दिया देख लीजिए। अब हम लोग चालू कर दें इसको। देखिए दोस्तों ये चालू हो चुका है, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सारी हट चुकी है दोस्तों। देखिए इसका माइक भी अच्छे से काम करेगा क्योंकि सब नया डाल दिया इसके लिए दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं आप लोग के लिए लाते रहूँगा। बाय दोस्तों।